समाजवादी पार्टी के भिवंडी सर उपाध्यक्ष नासिर जावेद ने दी स्वतंत्र दिवस की सभी भिवंडी वासी देशवासियों को शुभकामनाएं। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए क्या कहा, देखिए इस खबर में। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शेरे महाराष्ट्र जनाब बाबू आसिम आजमी साहब, हमारे भिवंडी ईस्ट विधायक रईस शेख साहब और हमारे भिवंडी से समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी रियाज आजमी भाई और तमाम भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम देशवासियों को, तमाम भिवंडी वासियों को 15 अगस्त की दिली मुबारकबाद। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। न सरकार मेरी है, न ही बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे बस इतनी सी बात का गुरूर है, मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। सन 1947 में आज ही के दिन हमारा मुल्क 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए आजाद हुआ था और ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसके पीछे लाखों बलिदान, इसके पीछे लाखों कुर्बानियां है। अगर आज के दिन हम उन वीरों को याद न करें जिनकी बदौलत आजादी हमें हासिल हुई तो एक दिन सुना सुना लगेगा। हम खाक नहीं होने देंगे उन वीरों की कुर्बानियों को, हम बर्बाद नहीं होने देंगे देश की निशानियों को। जो एक तिरंगा, ये जो तीन रंग का तिरंगा है, ये हमारी शान है। गौर से देखो दोस्तों, इसी में पूरा हिंदुस्तान है, इसी में पूरा हिंदुस्तान है। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आज कुछ ऐसी फिरका परस्त ताकतें हैं जो जो तिरंगे का रंग कलर चेंज करना चाहते हैं, उसको एक कलर में करना चाहते हैं। यकीन मानो दोस्तों, अगर ये उसमें कामयाब होते हैं तो तिरंगा अपनी शान खोएगा, देश अपनी पहचान खोएगा। सर, जब देश अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम कुछ लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, आज वही दलालों के चेले पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, नफरती चिंटुओं कान खोल कर सुन लो, हिंदुस्तान तब भी तुम पे भारी था, हिंदुस्तान आज भी तुम पे भारी है। तुमको अगर सत्ता का नशा है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हथियार है, तुम्हारे पास औजार है, तुम्हारे पास तलवार है, तुम्हारे पास बंदूक है, तो हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। तुम तलवार उठाओगे, हम संविधान उठाएंगे, तुम बंदूक उठाओगे, हम संविधान उठाएंगे, तुम नफरत फैलाओगे, हम मोहब्बत बांटेंगे, तुम देश को तोड़ोगे, हम देश को जोड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुम्हारी नफरत हारेगी और हमारा मोहब्बत जीतेगा। और जो कहते आज न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, धर्म के ठेकेदारों, धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद।